तमाम नाजरीन को आज की वीडियो में खुश आमदीब कहते हैं असलोक दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा जबरदस्त नुस्खा बताएंगे जिससे आपके नफस का ढीलापन, पिन बिन खड़ा ना होना और उ कमजोरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा आप अपनी बीवी को मुतमिन कर सकेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब और बेल के बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को पूरा देखिएगा हमेशा अच्छी सोच रखो क्योंकि अच्छी सोच से अमाल बनते हैं अमाल से किरदार बनता है और किरदार से इंसान की पहचान होती है जिंदगी कुछ फिल की नहीं एक दास्तान का नाम है इसमें ना चाहते हुए भी कई ऐसे रिश्तों को साथ लेकर चलना पड़ता है जिनका वजूद आपके जर्फ के खिलाफ होता है जिंदगी में हमेशा एक जिम्मेदार इंसान का इंतखा करें, जो आपका ख्याल रखे अपनी हिम्मत के मुताबिक जरूरियात पूरी करे मोहब्बत बहुत बात की बात है क्योंकि एहसास जिम्मेदारी भी मोहब्बत का दूसरा नाम है बंदर का तमाशा देखने वाले चाहे जितने भी पैसे अदा कर ले मगर कभी भी तर्स खाकर बंदर साथ नहीं ले जाते बिल्कुल इसी तरह आपके दुख दर्द सुनने वाले आपका दर्द साथ नहीं ले जाते बल्कि आपके किस्से लोगों को सुनाकर खुश होते हैं जिंदगी कुछ पुल का नहीं एक दास्तान का नाम है इसमें ना चाहते हुए भी कई ऐसे रिश्तों को साथ लेकर चलना पड़ता है जिनका वजूद आपके जर्फ के खिलाफ होता है हम एक ऐसे मुआशे में रहते हैं जहां दुखे का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है बाज दफा आप खुद नहीं चल रहे होते बल्कि रब कायनात आपको इस रास्ते पर चला रहा होता है जिसमें आपके लिए बेहतरी छुपी होती है हम लोग दूसरों में ऐब तो आंखें बंद करके भी ढूंढ लेते हैं लेकिन अपने ऐब खुली आंखों से भी नजर नहीं आते अपनों के होते हुए भी अगर इंसान को दुख में सहारा ना मिले तो इसे सोचना चाहिए कि वो ऐसे रिश्तों पर फातिहा पड़े या खुद पे अच्छा और सच्चा ताल्लुक कायम रखने के लिए अदाकारी की नहीं वफादारी की जरूरत होती है अपने अपने जर्फ की बात है कुछ लोग इज्जत मिलने पर मजीद झोंक जाते हैं वो सारा दिन हमारे गुना देखता रहता है और हमारी नाफरमानियां देखता रहता है और सुबह अपने फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेज देता है अल्लाह जब राजी होता है सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का जो शख्स अपनी अना और अपनी खुद गर्जी का गुलाम हो वो कभी इखलाकी तौर पर किसी के लिए भी फायदा मंद साबित नहीं होता लोग सिर्फ खुद के सगे होते हैं अब सारी उम्र किसी के खैर खा हो जाए बस जरा सी गलती गलत फहमी या बदगुमानी की देर है आपकी भलाई आपके खुलूस समेत मुंह पर मार दी जाएगी इंसान जितने ज्यादा अंधेरों को झेलता है इसे इतना ही बड़ा सूरज नसीब होता है वैसे तो लोगों के पास करने को बहुत से काम होते हैं लेकिन वो दूसरे की जिंदगी में दखल देने वाले काम को ही ज्यादा संजीदगी से लेते हैं मुनाफकत और मनपसंदी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि हर कोई चार शादियां करना चाहता है क्योंकि ये संत है और नमाज में संत इसलिए छोड़ देता है क्योंकि ये संत है हाथ पकड़ने और थामने में बहुत फर्क होता है पकड़ने वाले की पकड़ चाहे कितनी ही मजबूत हो वक्त की होती है जबकि थामने वाला हाथ ताहयात होता है हर शख्स की खुद की इज्जत इसकी जबान की तासीर से वाबस्ता है अगर तासीर मीठी है तो खूब और अगर तासीर कड़वी है तो रसवाई हकीकत पर मबनी अल्फाज भी सख्त नहीं होते बस सुनने वाले बात का मतलब अपनी तरफ ले जाते हैं बड़ी से बड़ी बात पर हार ना मानने वाले अक्सर छोटी छोटी बातों पर टूट जाते हैं कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि इस बंदे से कितना फायदा होता है जिंदगी ना आसान भी ना है और ना होगी तो बहादुर बने रब पर तवक्कल रखें और मुस्कुराया भी करें अगर बेखाबी की शिकायत हो तो 20 ग्राम मग्ज कद्दू में मिश्री मिलाकर रात को खाएं तो बेखाबी का अर्जा खत्म हो जाएगा बच्चे को सीने का दर्द असर्दी हो जाए तो 10 ग्राम में थी थोड़े से पानी में जोश दे ले इसे छान कर दस ग्राम शहद मिला ले ये सीने के दर्द के लिए बेहद मुफीद दवा है मोली के पते ले और उनका तीन छटान पानी निकाल ले दोनों को इस कदर पकाएं कि वो जल जाए इसे नींद गर्म कान में डालें। कान का दर्द और वरम फोरन खत्म हो जाएगा अंडे की सफेदी और रोगन गुल हम वजन मिलाकर कान में डालने से बहरापन खत्म करने में मदद मिलती है दांत का दर्द दूर करने के लिए एक गिलास नीम गर्म पानी में चुटकी भर नमक और एक खाने का चम्मच गिने का सिरका डालकर दिन में कम अज कम दो मरतबा अच्छी तरह कुल्ली करें दांत का दर्द जाता रहेगा आंख के पपोटों पर निकलने वाले दानों के इलाज के लिए लहसन के इस्तेमाल चुटियों से जान छुड़ाने के लिए नमक और हल्दी छिड़कना छिपकलियों को भगाने के लिए घर की मुख्तलिफ जगहों पर अंडों के खोल रखना और डेंगू बुखार से बचने के लिए लौंग को लीमों में लगाना ये बहुत से राइज टोटकों में से सिर्फ चंद एक है लीमू, हल्दी और अदरक ऐसी तीन कुदरती नमतें हैं जो बहुत सी बीमारियों में इक्सीर साबित होती हैं जबकि घी पीने से जचगी में आसान होती है और हैंग के इस्तेमाल से जिसम से गैस खारिज होती पांच अदद खजूर की गुठलियां निकाल कर कर दें सुबह को आधा किलो दूध के अंदर भिगो कर रख दें शाम को निकाल कर शहद के अंदर डालकर खा लें तो आपको कुछ ही दिनों में ढीलापन खत्म हो जाएगा चेहरों पर खसूसूगत को पहुंचने पर निकलने वाले दानों और मुहासों के इलाज के लिए बासी रोटी और नीम का चूरा इस्तेमाल किया जाता है ताका उन दानों से निकलने वाली रतूबत को कम किया जाए और जल्द के मसाम खोल सके दांतों को सफेद करने के तीन मिनट में तैयार होने वाले मंजन में लौंग का पाउडर जरासीम किश होता है लहसन इसलिए शामिल किया जाता है ताकि मसूहों से खून निकलने की शिकायत का अजाला हो सके और नमक डाला जाता है ताका दांतों को साफ और सांस की बदबू को खत्म किया जा सके अपनी जिंदगी को इतना फजूल मत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी के फैसले भी दूसरे लोग करना शुरू कर दें जब किसी से मोहब्बत का अंदेशा होने लगे तो सदका दें मोहब्बत हुई तो मिल जाएगी मुसीबत हुई तो टल जाएगी बुरे लोगों को भूलकर अच्छे लोगों की तलाश से कहीं बेहतर है कि हम लोगों की बुरी बातें भूल जाएं और उनकी अच्छी बातों को तलाश करें। जो मर्द अब के लिए बस बसी मोहब्बत की इंतहा है इससे ज्यादा आपको कोई भी नहीं चाह सकता जो शख्स हमेशा तुम्हारी खुशी चाहे इसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए जिस तरह परिंदे की यह खासियत होती है कि वो हम जिंस के साथ कौम भरना चाहता है इसी तरह इंसान भी हमेशा अपने हम ख्याल लोगों की तलाश में रहता है कभी किसी की जाहिरी शक्ल और सूरत देखकर अपनी रिकाय मत कीजिए क्या पत्ता वो शख्स अंदर से कु तूफानों से गुजर रहा हो अगर कुछ करना हो तो सौ रास्ते और अगर ना कुछ करना हो तो हजार बहाने ढूंढने वालों के लिए मंजिलें बेचीन होती हैं और सोस्तों और कहलों से मंजिलें कोसों दूर भागती है जिंदगी में की गई कोई भी नीकी राना है नहीं जाती और कोई भी की गई बुराई तब तक नहीं मिटती जब तक इस पर सच्ची तोबा ना कर ले बंदा और यह मोहलत भी सांस मिलने तक से इसी दूसरे इंसान को तनकीद के तीर चलाने से पहले अपने अपने गिर बयान में झांक लेना चाहिए